मैं खा रही हूँ अपनी पसंद की ठंडी ठंडी आम की श्रीखंड। तो नमस्कार, आप सभी का सीमा सुखाओ सीखने में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने देखा, मैं अपनी फेवरेट श्रीखंड खा रही हूँ, वो भी मैंगो फ्लेवर की। तो चलिए मेरे किचन में दिखाती हूँ ये मैंने कैसे बनाया था, गर्मियों में मजा आ जाएगा। श्रीखंड बनाने के सबसे पहले एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर जाली डाल देंगे और उसके ऊपर एक कोई कॉटन कपड़ा डाल देंगे। और जो घर की बनी हुई दही है उसका यूज़ मैं कर रही हूँ, रात को जमाया हुआ दही था ताकि दही मीठा है। अभी ध्यान रखना कि हमें दही मीठी लेनी है। अब रुमाल को जो है, जो कपड़ा मैंने लिया हुआ है, इसको हम बांध देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है इसका वो पूरी तरह से निकल जाए, क्योंकि पानी रहेगा तो श्रीखंड अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो जितना पानी निकल जाएगा फिर इसके बाद हम रुमाल पे कोई हल्का प्लेट डाल के, कोई वजन डाल करके हम फ्रिज में इसे 3 घंटे के लिए रख देंगे। और 3 घंटे बाद जब निकालूंगी तो देखिए एकदम पनीर की तरह इसका टेक्सचर हो गया है। और जितना भी इस कपड़े में लगा वो भी हम निकाल लेंगे इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना कि इस दही को हमें चम्मच की हेल्प से या हाथ से जैसे भी आपको इजी लगे खूब फेंटना है और उसे क्रीम टेक्सचर देना है एकदम। और इसका मैंगो फ्लेवर देने के लिए एक आम काट ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और आम की मात्रा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा या कम आप कर सकते हो। तो मैं इसमें हाफ आम डाल रही हूँ, एक पीस जो है कट के जब बारीक बारीक रख लूँगी ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, ऊपर से कट के डालने के लिए, और बाकी को जो है खूब महीन से पीस लेंगे हम। तो यहाँ पे रफली चॉप भी कर सकते हो। 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, चूँकि दही बहुत मीठा है मैंने टेस्ट कर लिया था पहले, 2 चम्मच काफ़ी इतना के लिए। तो इसे बारीक पीस लेंगे और इस मैंगो पल्प को भी हम इसी दही में मिला देंगे। श्रीखंड हमेशा जब भी खाएं बहुत ठंडा निकाल के खाएंगी, तब ज़्यादा मज़ा आएगा खाने में। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे खूब अभी मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे अपने मन चाहा फ्लेवर डाल के आप इस श्रीखंड को खा सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट के साथ बनाऊंगी, थोड़ा सा मैं डाल दे रही हूँ काजू, और यहाँ थोड़ा डालेंगे किशमिश। किशमिश मुझे इसमें बहुत पसंद आता है इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। अब इसे जो है फ्रिज में थोड़ी देर के लिए फिर से रख देंगे, और ठंडा हो जाएगा, फिर इसे थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा ये। तो इसे अब हम सर्व कर ले रहे हैं। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना देख करके। अब आम छोटे छोटे पीसेस से इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे, और जब बीच में श्रीखंड खाएंगे ना, बीच में आम और ड्राई फ्रूट्स आएगा ना, बहुत मज़ा आता है ठंडी ठंडी श्रीखंड मैंगो फ्लेवर के साथ। तो लीजिए आप भी खाइए, मैंने तो टेस्ट किया, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसा लगा अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।